नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शरद पवार जो है बीते कुछ दिनों से चर्चाओं से बाहर रहे हैं, लेकिन आज फिर से एक बार वो चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार जब चर्चा में आए तो मुद्दा उनका था BJP। क्या था वो मुद्दा और उसके बाद वो चर्चा में क्यों इतने ज्यादा दिखाई देने लग गए, समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर इकाई को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब संयुक्त उद्यम द्वारा गुजरात को चुने जाने के बाद इस बड़ी परियोजना के राज्य में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। दो दिन पहले 1.54 लाख करोड़ रुपए की वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना गुजरात के हाथों गंवाने पर महाविकास आघाड़ी के घटक शिवसेना राकंपा और कांग्रेस एकनाथ शिंदे भाजपा नीत सरकार पर हमलावर है, क्योंकि इस षड्यंत्र को पहले महाराष्ट्र में स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसके लिए पुणे के पास तालेगांव को परियोजना लगाने के लिए चुना गया था। पवार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र का महाराष्ट्र को यह आश्वासन देना कि उसे वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना की तुलना में एक बड़ी परियोजना मिलेगी, एक बच्चे को समझाने की कोशिश करने के समान है। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना के मूल रूप से पुणे शहर के पास तालेगांव में आने की परिकल्पना की गई थी, जिसके पहले भी से यह चाकन के पास ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक स्थापित है। पवार ने कहा कि अगर तालेगांव में इकाई स्थापित होती तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा होता, लेकिन अब इस तरीके से नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ यहां पर शरद पवार ने एक बात बिल्कुल साफ सीधी सी करते हुए नजर आए कि वो यहां पर जो है BJP को बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं है। देखना यही होगा क्या शरद पवार जो इन दिनों अपने तेवर दिखा रहे हैं उससे BJP खेमे में कितना हड़कंप मचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की नीत का गुजरात में क्यों बसेरा हो रहा है उसको लेकर के यहां पर शरद पवार के इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। BJP पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने बड़े बयान दे तो दिए हैं, लेकिन BMC चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।